हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे शाही पनीर की रेसिपी। जिनको भी पनीर पसंद होता है उनकी टॉप लिस्ट में शाही पनीर ज़रूर ऐड होता है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं अपने तरीके से शाही पनीर की रेसिपी। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में ले लिया था 2 चम्मच मैंने ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर उसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा। जीरा भी अच्छे चटक जाए तो डालेंगे 4-5 हरी इलायची और 7-8 काली मिर्च। थोड़ा सा डाला दालचीनी का टुकड़ा, इनको अच्छे से भून लेंगे। कड़े मसाले इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। जब ये मसाले अच्छे से भून जाएँ तो इसमें हम ऐसे लंबी लंबी प्याज बारीक बारीक कटी हुई डाल देंगे। प्याज को भूनना शुरू करेंगे। ये प्याज लगभग 2 से 3 थी, बड़ी साइज़ की थी तो इसलिए इतनी ज़्यादा हो रही है। और मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा प्याज ली है। तो प्याज को अच्छे से भून लेंगे। जब थोड़ा सा कलर इनका चेंज होने लगे तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अदरक, बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ, और डालेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। इनको भी अच्छे से भून लेंगे, सारी चीज़ों को भून लेंगे। और फिर थोड़ी सी डाल दी इसमें मैंने सौंफ। सौंफ भी बड़ी अच्छी खुशबू देती है शाही पनीर की रेसिपी में, तो इसलिए मैं उसको ज़रूर डालती हूँ। और देखें, जब प्याज थोड़ी सी पिंक कलर की हो जाए और ट्रांसपेरेंट बिल्कुल दिखने लगी तो हम इसमें ऐसे रफली से चॉप किए हुए 4-5 टमाटर डाल देंगे। टमाटर के साथ भी हम इनको अच्छे से भूनेंगे। फिर इसमें डाल देते हैं 10 से 12 हम काजू। काजू इसमें मेन हीरो है तो इसलिए हम इसको 10 से 12 डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से भूनना शुरू कर देंगे। और देखिए, फिर डालते हैं हम इसमें 1/2 चम्मच नमक। इनको सबको बढ़िया से मिलाकर, और इसमें हम डालते हैं अब थोड़ा सा पानी, मतलब जितना भी ये जो सारा मिक्सचर तैयार हुआ है प्याज और टमाटर का, थोड़ा सा बस बिल्कुल डूब जाए उतना ही हम लगभग इसमें पानी डाल के, देखिए इतना ही, और इसको ढक देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे करके 10-12 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे ये सारे प्याज और टमाटर काजू वगैरह सब डाले थे ये अच्छे से गल जाए। और बस 10-12 मिनट लगती है इन सब चीज़ों को अच्छे से गलने में। और देखिए, सब चीज़ें तैयार होगी और इसको हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। ये सब कुछ ठंडा हो गया है, अब इसको हम डालते हैं ग्राइंडर जार में, सारा इसमें डाल के, और इसको हम बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे। देखिए ऐसा, आप चाहे तो इसको यहाँ पे छान भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे यूज़ करूँगी, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो कढ़ाई में ले लेते हैं 2 चम्मच घी। घी की जगह आप इसमें बटर भी ले सकते हैं। और जब ये घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें मैंने डाल दी थी 1 चम्मच लाल मिर्च। और यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, नहीं तो जो लाल मिर्च एकदम से जल जाती है। तो बस फिर इसमें जो हमारा जो ये मिक्सचर था, पेस्ट बनाया था जो हमने, वो इसमें हम पूरा का पूरा ऐड कर देंगे। और देखिए, लाल मिर्च का कलर अच्छा आ रहा है। इनको अच्छे से करेंगे हम मिक्स, और थोड़ा सा पानी जो ग्राइंडर में लगा हुआ था मटेरियल उसमें पानी मिला के, और जितना हमको इसमें पानी डालना है, और देखिए इतना टेक्सचर में हम इसको तैयार करेंगे। और इसके बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा डाला भुना हुआ जीरा पाउडर। इन सबको करेंगे मिक्स। यहाँ पर चाहे तो आप थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मुझे थोड़ा सा कलर और अच्छा आ जाएगा, लेकिन वैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। और देखिए, ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर के क्यूब्स। पनीर भी कोई भी शेप में आप काट सकते हैं, मैंने क्यूब्स में काटे हैं। फिर इसमें डाल दी थी मैंने हल्की सी चीनी, फिर ऊपर से डाली थोड़ी सी कसूरी मेथी, और फिर इसमें डाला 1 चम्मच गरम मसाला। इन सबको भी करेंगे मिक्स। मिक्स कर लिया था, और फिर इसको भी हम अब पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक के पकाएंगे 10-12 मिनट में पक के बिल्कुल तैयार है। और लास्ट में डाल देते हैं इसमें क्रीम, और क्रीम के साथ भी मिलाएंगे, मिलाकर और इसको फिर से ढक देंगे, और इसको फिर पकने के लिए छोड़ देंगे। और बस देखिए, इसमें से जो ये ऑयल था वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो हमारी शाही पनीर की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। देखिए कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है, और खुशबू तो बहुत अच्छी आती है। और लास्ट में भी हम इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल के सर्व करेंगे। और बस तैयार है हमारा बिल्कुल इजी तरीके से शाही पनीर की रेसिपी। और अगर आप चैनल पर नए हैं और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।